देखो एक्सपेरिमेंट है कि पहले एक पॉइंट को समझो, अगर किसी ने लिफ्ट की रस्सी बनानी है वो इलास्टिक होगी, या क्रेन की रस्सी बनानी है, या कोई ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जहाँ पर किसी लोड को उठाना है, तो देखो वो ये तो करेगा नहीं कि चलो एक काम करते हैं कोई रस्सी ले लेते हैं लगा के देख लेते हैं, चल गई तो ठीक है, नहीं तो वो टेस्टिंग होके प्रॉपर आएगी। अब वो टेस्टिंग लैब में होगी, लैब में टेस्टिंग कैसी होती है, आप एक सैंपल के ऊपर काम करते हैं, उस पर एक गिवन लोड लगाते हैं उसके डायमेंशन के हिसाब से, और कुछ ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ से कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या चीज़ है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि आपने एक इलास्टिक वायर को ले लिया, एक इलास्टिक वायर ले, इलास्टिक वायर में चलो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि एक रबर बैंड ले लिया आपने, रबर की बनी हुई वायर है, चलो कुछ तो इलास्टिक है, चलो ज़्यादा नहीं सही कुछ तो है, या स्टील की वायर ले ली, इलास्टिक की वायर ले ली, कुछ भी मटेरियल की जो इलास्टिक की नेचर है। इमेजिन करो कि ये जो आपका ये वायर है इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, ग्राफ को बाद में देखेंगे, ये ओरिजिनल लेंथ एल है, तो ठीक है ये मैंने लटका दी, और ये चलो सिलेंड्रिकल लेते हैं थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, और ये ऐसी थी पहले, ऐसी थी, तो ये मैंने हवा में लटका रखी है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, ये मान लो पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट है, और चलो ये सीलिंग है, तो ओ पॉइंट पर वायर है, और ये बिल्कुल भी टच नहीं किया, ये बिल्कुल एक्सपेंडेड नहीं है। मैं किया और मैंने आपको कहा एक काम करो लैब में इसके ऊपर फोर्स लगाओ, आपने भी कहा ठीक है मैंने बोला है तो लगा ही देते हैं फोर्स, तो आपने भी क्या किया इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन पे एक फोर्स लगाई, और वायर लंबी हो गई, वायर थोड़ी सी लंबी हुई थी, वायर कितनी लंबी हुई सपोज ए पॉइंट तक आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम, 1% ऑफ लेंथ है ऑलमोस्ट, तो बहुत ही कम जो है आपने इसको खींचा और इसको लंबा करके ए पॉइंट तक ले आए। तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें ना आपने क्या लगाया, आपने बोला स्ट्रेस लगा, और इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, आपने बोला स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाय एल, फोर्स स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो मैंने कहा एक काम करो क्या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, आपने कहा हाँ, मुझे ये तो पता नहीं पर हुक्स ने ये जरूर कहा था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो ग्राफ क्या आया स्ट्रेट लाइन आया। तो ये जो ग्राफ बना ना वो ये ग्राफ बना, देख रहे हो ओ से लेके ए तक, ये रहा आपका ओ, ये रहा आपका ए, ओ से ए तक की जर्नी में स्ट्रेस वॉ प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन था, प्रपोर्शनल था, इसका मतलब हुक्स लॉ यहाँ एप्लीकेबल था। तो ए पर मैंने कहा रुक जाओ, आपने कहा क्यों रुके, मैंने कहा इसके बाद अगर तुमने और फोर्स लगाई तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का लॉ फेल हो जाएगा, हुक्स लॉ फेल है इसके बाद। तो मैंने इस ए पॉइंट का नाम दिया कौन सी लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ओ ए के दौरान स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्लियर है यहां तक, तो ओ ए के अलॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, बात ही खत्म है, ठीक। तो यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, तो आप नहीं हटे, आपने कहा नहीं सर और फोर्स लगानी है मैं और खींचूंगा, आपने और खींच दिया, आपने कितना खींच दिया, आपने इसको थोड़े वायर ना पतली होती जाएगी, आपने बी तक, क्योंकि वायर खींचने से पतली भी होती जाती है, तो आपने अब बी तक खींच दिया इसे, मतलब मेरे कहे कि मैंने रोक रहा था मत करो हुक्स लॉ फेल हो जाएगा, तो होने तो कोई बात नहीं और खींचेंगे, अब देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। तो जब तुमने एक्सपेरिमेंट लैब में स्ट्रेस लगाया और स्ट्रेन को कैलकुलेट किया और यहाँ प्लॉटिंग की, तो तुमने ये देखा कि ग्राफ तो बना लेकिन वो स्ट्रेट नहीं बना, आप देख रहे हो ए से बी कर्व बन गया, इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट नहीं है ना गारंटेड हुक्स लॉ इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, और ग्राफ को तो हर हालत में क्या आना है स्ट्रेट लाइन ही आना है, पर यहां पर तो कर्व आ गया। तो आपने मेरे को कहा सर मेरे को लग रहा है हुक्स लॉ तो यहां फेल है, मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था मत, क्यों क्यों खींच रहे, हुक्स लॉ पक्का ही फेल होगा, और वो फेल हो गया। तो आपने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा वायर को छोड़ दे, अभी भी छोड़ दे, तो बी पॉइंट पे छोड़ दे, तेरी वायर वापस तेरे को यही मिलेगी जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इसकी इलास्टिक लिमिट अभी क्रॉस हुई नहीं है, क्योंकि रबर बैंड को खींच खींच के आप उसको लूज भी कर देते हो, या कोई भी मटेरियल जो इलास्टिक है उसको बार बार खींच खींच के, ज़्यादा खींच के उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो लेकिन मैंने आपको वार्निंग दी कि अगर आप अब भी बी पे छोड़ देते हो आपकी इलास्टिक वायर ओ पे वापस आएगी, तो इस बी पॉइंट का नाम मैंने दिया इलास्टिक लिमिट। तो अभी आप किस रेंज में चल रहे हो, इलास्टिक लिमिट की रेंज में चल रहे हो, तो आप इलास्टिक लिमिट की पॉइंट है बी पॉइंट लास्ट लिमिट है,
या फिर दूसरा नाम क्या है, यील्ड पॉइंट। इसको अंडरलाइन करते जाना कहीं पर, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे है, ये रहा यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। आगे पीछे इंग्लिश में जो मर्जी लिखो, इसको जरूर अंडरलाइन कराना पेपर में। यही तो चेक होने हैं कि आपको ये नाम भी पता है कि नहीं पता। तो ए का मतलब है प्रोपोर्शनल की लिमिट है, और बी का मतलब है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट है। तो इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट आ गया, मतलब ये वो पॉइंट है कि अगर आपने अब फोर्स लगाई और इसको और बड़ा किया और फिर छोड़ दिया, एक्सपेक्ट ना करना कि ये ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा, ये थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, ये लूज हो जाएगा। पर आप नहीं हटे, आपने कहा नहीं और फोर्स लगानी है, लगाओ फोर्स। तो आपने अब इस बी पॉइंट को भी क्रॉस कर दिया, और आप कहाँ पर ले आए इसे, आप इसको सी पॉइंट तक ले आए खींच के, सी तक। अब इलास्टिक लिमिट तो आपने कर दी क्रॉस। अब मुझे कह रहे हो सर मैं रबर बैंड को छोड़ने वाला हूँ। हाँ तो छोड़ के देखो। अब जब आप रबर बैंड को छोड़ेंगे, ठीक है, अब जब आप इसे छोड़ेंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करना कि सी पे छोड़ के वो ओ पे आएगा। वो कहाँ पे आएगा, अब ओ डैश पे आएगा। मतलब आपकी वायर परमानेंट, आपकी वायर में परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो गया, डेल्टा एल परमानेंट हो गया, अभी हट भी नहीं सकता क्योंकि आपने इसके लिमिट को क्या कर दिया था, क्रॉस। तो पहले तो हट रहा था, डेल्टा एल वापस हो रहा था, जीरो हो रहा था, अब डेल्टा एल जीरो नहीं हो रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब डेल्टा एल जीरो नहीं हो रहा, आपकी वायर को जब आप यहाँ पर छोड़ेंगे तो अब वो ओ पे नहीं आ पाएगी, ओ डैश पे आके रुक जाएगी। तो इसके अंदर ये परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन क्रिएट हो गया। ओ डैश हमेशा नहीं, वो मैं वो आइडिया नहीं है मेरे को, मतलब कहीं भी रुकेगा डिपेंडिंग, मतलब वापस नहीं आएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है यहाँ भी रुकेगा, मुझे पता नहीं कहाँ रुकेगा, डिपेंडिंग आपने कितने कितनी फोर्स लगाई। अब लिमिट के बाद तो कितनी फोर्स लगा सकते हो, कितना इलास्टिक हुआ मैं कह नहीं सकता, पर कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये 1% के आसपास होगा, लेस देन 1%, हाँ लेस देन 1% ए से वहीं होगा, राइट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने कहा देखा आपने ये लूज करके बैठ गए ना, आपने कहा आप देखो सर और मैं तो और फोर्स लगाऊंगा। अब आपने सी के बाद भी और फोर्स लगा दी, अब तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। आपने वायर को खींच खींच के, मोटी वायर थी, इतना पतला कर दिया धागे की तरह खींच खींच के कि बस अब तो तुमने उसको टच भी किया तो अब गई हो सकता है अपने वेट से भी गई, हो सकता है लटकाया ही हुआ था अपने आप, धीरे 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 करते वो टूट ही जाएगी, और टूटेगी तो डी पॉइंट पे आएगी। इसको बोलते हैं कौन सा पॉइंट आ गया, फ्रैक्चर पॉइंट, और ये टूट गई, काम हो गया, खत्म, वायर टूट गई, ये एक्सपेरिमेंट है। तो क्या स्टेजेस हैं, इसको लिखने का तरीका, वो कहेगा कि डिस्कस करो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, किसी भी इलास्टिक वायर का ये ग्राफ को डिस्कस करो। ग्राफ तो बनाना ही बनाना है, ये सारा ग्राफ एज इट इज बनेगा। इसमें पहला पॉइंट आपने लिखना है इन रीजन ओ ए, ओ ए ये स्ट्रेस है और वो स्ट्रेन है, रीजन ओ ए के ऊपर ये जो ए पॉइंट तक हुक्स लॉ इज ओबेड, मतलब और कुछ जो मर्जी लिखो कहानियाँ, पर ये अंडरलाइन जरूर कराना कि ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ इसमें ओबे हो पा रहा है। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। फिर आपने लिखना है आफ्टर पॉइंट ए, ए ए के बाद बी तक स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए तक तो इट वॉज प्रोपोर्शनल, और ए पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते थे, प्रोपोर्शनल लिमिट थी, और ए से बी तक स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और इस केस में बी पॉइंट तक जब आप पहुंचेंगे, इसको यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं, तो ये डिस्कस कर देना। फिर लिखना कि बी पॉइंट के बियॉन्ड, आगे बी से लेके अगर आप आगे जाते हो सी तक, ग्राफ देखना जरा, आपने स्ट्रेस बहुत कम, वाई एक्सिस तो स्ट्रेस बहुत कम अप्लाई किया, पर आपका ग्राफ इस तरफ है, इस तरफ का मतलब स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तुम हल्का सा टच करते हो इतनी लंबी वायर खींच जाती है, तो स्ट्रेस कम है लेकिन स्ट्रेन ज्यादा है, और ये रीजन में तो जबरदस्त स्ट्रेस बहुत कम है और स्ट्रेन बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, वायर पतली होती जा रही है। तो आप देख सकते हो इसमें कि बियॉन्ड पॉइंट बी स्ट्रेस या स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर रेपिडली देन स्ट्रेस, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस हमने लगाया नहीं पर फिर भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, वायर लंबी होती जा रही है। इफ लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट सी वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो क्या कह रहा है कि अगर आपने इस पॉइंट पे अपने इसको छोड़ दिया वायर को, तो ओरिजिनल लेंथ वायर नहीं अचीव कर पाएगी, उसमें परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने लोड और बढ़ाया
फिर वो ब्रेक हो जाएगी, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, बात ही खत्म। तो फ्रैक्चर पॉइंट के साथ वायर खत्म हो गया, दो नंबर में आना है, लिख देना, बात खत्म। ठीक,